ये तुम्हें बदल डाल, नहीं तो स्वर्ग को कब जाएगा। वो ऋषि तपस्या करने शुरू कर दे, अपनी अप्सराओं को बुलाया जाके इसके तपस्या को बंद कर दो। व्हाई व्हाई डस ऑल दिस? बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दोस इनफाइनाइट थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली अवेलेबल देयर, क्योंकि उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होगी। उसका एक ही एटीट्यूड है, माई हंगर बस। और यू कैन से द हंगर इज इंडल्ज्ड देयर। ऐसे उद्यमियों, इस श्रेणी के उद्यमी भी आपको मिलेंगे। राजनेहरू जी आए थे कल बता रहे थे कि सक्सेसफुल उद्यमी वो है जो समाज से लेकर के, देश से लेकर के, विश्व से लेकर के समाज को लौटाता है। और जो इंद्र वाली कैटेगरी में है वो देश छोड़ के भाग जाता है। अच्छा, आप देखो यहीं से मिलते हैं सारे एग्जाम्पल। आपने कहीं इंद्र का मंदिर देखा है क्या? कहाँ? इंडोनेशिया में। भारत में बताओ। देखिए, जो इंडियन हमारे एपिक्स हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, बाकी लोग विश्वास करते तो हैं, लेकिन हम ज्यादा विश्वास करते हैं उन चीजों पे। भारत में हो तो बताओ, इंडोनेशिया वालों को भी पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों बनाया है। आई थिंक देयर इज ओनली वन टेम्पल इन वर्ल्ड दैट इज इन इंडोनेशिया। मैडम ठीक कह रही है, क्यों नहीं है? क्योंकि ही इज नॉट लाइक, वो अपने बारे में सोचता है बस। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। वहां हंगर इनवॉल्विंग आउटग्रोइंग। कभी शिव परिवार देखा है आपने? मैं आपको कैलाश पे लेके चल रहा हूं। शिव परिवार देखा है? शिवजी पार्वती, शिवजी के गले में सांप पड़ा रहता है, उनके एक तरफ कार्तिकेय होता है जिसकी मोर की सवारी है, एक तरफ गणेश जी होते हैं जिनकी चूहे की सवारी है, नीचे एक तरफ भोल होता है और एक तरफ माता जी उनका लव। ये है ना शिव परिवार? सब बेटे थे अशोक पुत्र। शिव परिवार में नहीं दिखाई देते? शिव परिवार अशोक। हो सकता है आप ठीक हो, मैं तो ज्यादा बहस करता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है शिव परिवार, उसमें कार्तिकेय, गणेश जी, शिव पार्वती और उनके वाहन। देखिए कितनी बढ़िया चीज है, आप ध्यान से देखो। शेर बुल को खाता है, मोर सांप को खाता है और सांप चूहे को खाता है। कितनी प्यार से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वहां भूख है ही नहीं। नो प्रीडेटर नो प्रे। एक दूसरे के दुश्मन हम मानते हैं उनको, लेकिन उनको इस तरह से चैनलाइज किया है, उस तरह से मोटिवेट किया है, वहां उस तरह की व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि सब पीस में बैठे हुए हैं। नो हंगर। और तीसरा वैकुंठ लोक, वहां कौन रहता है? विष्णु जी। विष्णु वो चीज है, वो भगवान वो है जो पृथ्वी पर जन्म लेते, कभी वो पुत्र रूप में काम करते हैं, कभी वो राजा के रूप में काम करते हैं, कभी वो पुजारी के रूप में काम करते हैं और शांति से रहते हैं। उनका मानना यह कि योर हंगर इज माई हंगर। तो उद्यमी आपको ये तीन तरह के मिलेंगे। तो जो उद्यमी ये मानेगा कि तुम्हारी जो भूख है वो मेरी है। बात हो रही थी ना तुमने कि हाउ टू रिटेन द एम्प्लॉइज। यदि आप इंद्र वाला एटीट्यूड रखोगे कोई नहीं रुकेगा आपके पास, क्योंकि आपकी जो प्यास है, एक तो होती है नीड जिसको कहते हैं जरूरत, आवश्यकता, एक होती है लस्ट जिसको कहते हैं इच्छाएं। आपकी आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। नेवर नेवर नेवर।
तन को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, हर आदमी के पास होने चाहिए। फिर आपकी इच्छा होती है पड़ोसी तो रेमंड का सूट लिया है, आपकी आवश्यकता तो पूरी है लेकिन आपकी इच्छा जागृत हो गई कि वो रेमंड का सूट लाया है तो मुझे किसी और बड़ी कंपनी का चाहिए। अब उसकी इच्छा को, उस इच्छा को पूरी करने के लिए आप तरक्की करना शुरू कर देते हो। खैर उस काम को करके आपका वो रेमंड वाला सपना पूरा हो जाता है, आपके पास मालूम की आशा होती है, पड़ोसी कुछ और आता है, फिर आप रेमंड वाली इच्छा पूरी हुई, आपकी दूसरी इच्छा जागृत होगी। तो यदि आपको शांति चाहिए, पीस, तो आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने के संसाधन जुटाने चाहिए। तो ये आपने डिसाइड करना है, जिन्होंने भी ये निश्चय किया है कि उनको उद्यमी बनना है, कि आपने स्वर्ग लोक वाला उद्यमी बनना है या पैसा बहुत होगा, हर चीज आपको मिलेगी, नींद नहीं आएगी आपको, हमेशा डर बना रहेगा, कौन सा ऋषि तपस्या कर रहा है वो जाके कब्जा कर लेगा, कौन सा राजा यज्ञ कर रहा है वो आकर के वहां पर ये कर लेगा, शिव जी के बहुत मंदिर मिलेंगे आपको, और विष्णु भगवान चाहे उसको राम कहो या कृष्ण कहो उनके बहुत मंदिर मिलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक ये कहता है कि मुझे भूख ही नहीं है, एक कहता है कि तुम्हारी भूख पहले और मेरी भूख बाद। तो ये जो दो दिवसीय सम्मेलन हमारा यहाँ पर हुआ, बहुत सारे यंग इसमें स्टूडेंट्स भी आए, मैं ये समझता हूँ कि यदि आप में से दो चार के अंदर भी ये विचार भी यदि आ गया हो, क्योंकि कल भी शायद ये बात हो रही थी, आइडिया का आना बहुत जरूरी है, और वो कह रहे थे जैसे आपके मन में आइडिया है उसको पेटेंट करा लो, नहीं तो फिर वो वेस्ट वाले और यूरोप वाले चुरा ले जाएंगे उसको। आइडिया आने एवरी मोमेंट आइडियाज कम टू यू, आप ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं जिसको आइडिया ना आता। पर बीमारी क्या है, आपको दूसरे ही आइडिया आते रहते हैं, जिसको कहते हैं नकारात्मक सोच, उसमें कभी कभी सकारात्मक आइडिया भी आता होगा, उसको सोचना शुरू कर दो तो नेगेटिव थॉट्स आपको आने बंद हो जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि यदि इनमें से एक दो चार जो भी डेलीगेट से वो इससे इंस्पायर होकर के ये निश्चय करेंगे कि मुझे एक सफल उद्यमी बनना है, तो हमारा जो ये हमने कार्यक्रम दो दिन का रखा है इसको हम कुछ सफल मानेंगे। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे स्पीकर हमने बुलवाए, उनके ईमेल्स और कॉन्टेक्ट नंबर्स हमारे पास हैं, यदि कोई उनसे आगे भी शेयर करना चाहता है अपनी बातों को तो आप शेयर कर सकते हो। पूरा प्रयास हमने किया कि आपका दो दिन का हमारे साथ ये जो ठहराव था, जो बाहर से आए उनका प्रवास था, वो अच्छा रहे, आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी हो। फिर भी इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स ऑल द गुड थिंग्स क्रेडिट आई गो इन टू माई टीम विद ए स्पेशल मेंशन ऑफ द कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, coordinator, organizing secretary and lapses if any there must have been, I believe I own the responsibility as head of the institution. I am sure you are enlightened to a certain extent, you are really benefited, the degree may be different, and now when you will go back to your institutions you will spread this knowledge which you have earned during these 2 days deliberations in your own institution. And as I told you yesterday, we keep on organizing seminars and conferences. So next time, again when we will organize some conference and we invite you, please do come with all the good and happy memories which you have had during these 2 days in this college. Once again, I welcome the chief guest and thank you all for being in this conference. Shilpa Goel, organizer secretary of this conference,
to read a brief summary of the conference. Please, ma'am. It is a very proud privilege for me that I am being asked to read the summary of 2-day national conference on entrepreneurship development, creation of wealth for people and economy, being sponsored by Director General Higher Education Haryana during 24th and 25th November 2018. The patron of the conference, Principal Dr. Krishan Khan Gupta Ji, is the architect of the conferences in our college and the one who understands the relevance of organizing conferences for academics and postgraduate students. Overall, this conference had 8 technical sessions spread over 2 days. The inaugural function was the first session. Principal Sir, in his opening remark and welcome address, focused on the fact that entrepreneurial development is the most sought after topic, and this conference will provide a common platform to all the stakeholders for deliberations and discussions. Dr. Manoj Shukla, convener of the conference, while briefing about the conference, said that the conference has invited management consultants, entrepreneurs, academic researchers, industrialists, and students from various backgrounds to listen and discuss. Sri Raj Nehru, Vice Chancellor, Sri Vishwakarma Skill University, Dudhola, was the chief guest. He, in his inaugural address, said that India has a history of entrepreneurs. He lamented that due to the merciful and more social behavior of Indians, we lag behind as we never patented our researches, ideas and thoughts. Madam P. Narayan, former faculty, Central University, Karnataka, was the invited talk of the session, who gave 4 golden rules of successful entrepreneurs. The second technical session was chaired by Dr. S. K. Chakravarti, ex-NIT Kurukshetra University. There were 4 oral presentations during the session. While concluding the session, Dr. Chakravarti congratulated the presenters and suggested to not to write salutations in research papers. According to him, there is no need of uppercases in the papers and there should not be any mixing of languages. The third technical session witnessed 2 invited talks. Mr. Sushil Pandit spoke on media and its scope. Mr. Hitesh Tayal delivered his talk on creativity, an important tool for entrepreneurship. The session was chaired by Mr. Amish of Network 18, who emphasized on the content and not money. The fourth technical session was chaired by Sri Vinod K. Pandita, Dr. Archana Bhatia and C.A. Priyanka Garg. They were the invited talks and they focused on the women entrepreneurs, as they are far more successful than male entrepreneurs because of their multitasking capabilities. Dr. Archana Bhatia delivered her invited talk on women entrepreneurship, startup campaign with special reference to India. This session witnessed oral presentations, which was concluded by Sri Vinod K. Pandita, who gave a new rule of entrepreneurship, that is ABCD, where A stands for attitude, B for behavior, C for communication and D for discipline. On the second day also, 4 technical sessions are conducted. In the 5th technical session, Sri Kamar Heather, Chief Manager, NSICTSC Faridabad, was the chairperson. Sri Rohan Chawla, Assistant Vice President, Barclays Investment Bank, delivered his talk on never-ending zeal to learn something new. Dr. Ritu Aroda from DAB Institute of Management, Faridabad, delivered a talk on academic entrepreneurs, time to rethink. Sri Rajiv Pratap spoke on the 4 ingredients of successful entrepreneurs. The session was followed by 5 oral presentations. The 6th technical session was chaired by Dr. Krishnakant Gupta, Dr. S. K. Chakravarti and Mr. Vivek Aggarwal from Impex High-Tech Rubber Faridabad were the invited talks for the session. Professor S. K. Chakravarti talked about entrepreneurs, his skills and rewards of owning a business. He focused on the foundation stones of entrepreneurship. Mr. Vivek Aggarwal deliberated on the challenges in rubber industry. He shared his experiences as an entrepreneur. In this session, witnessed 7 oral presentations. In the 7th technical session, Dr.